उदखुलू फिस सिल्मी काफा की शान वाले जब बन जाते मुकम्मल तौर पर, तो लूटते क्या मारिफत के खजाने, अल्लाह की मोहब्बत के खजाने, अल्लाह की नॉलेज के खजानों को लूटते और लुटाते क्या इस दुनिया के हकीर माल और दौलत को, यहाँ के मनसबों को, यहाँ की हुकूमतों को, यहाँ के मर्तबों को, यहाँ के पोजिशन को, और हत्ता ये कि अपनी जान को भी लुटा देते हैं। अब इसके लिए देखिए, मैं एक उस हस्ती का पहले जिक्र करता हूँ जो अजली ईमान वाले भाई बर्द, और उस हस्ती को यह शरफ हासिल है कि उस हस्ती की चार पीढ़ियाँ एट ए टाइम मेरे प्यारे नबी पर ईमान लाने वाली, चार पीढ़ियाँ, चार जनरेशन। सैयदुना अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, जिनके वालिदैन भी अजली ईमान वाले, खुद वो भी अजली ईमान वाले, उनकी औलाद भी अजली ईमान वाली, उनकी औलाद की औलाद भी अजली ईमान वाली। जब उदखुलु फिस्सिल्मी काफा पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का शरफ मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उनकी जिंदगी का तर्ज और लाइफस्टाइल कैसे बदला देखिए। कि जब ऐलान हुआ कि माल लाओ, तो सब लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक तहबन रखकर बाकी सब कुछ अल्लाह के नबी के कदमों में लाकर रख दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ए अबू बकर, तुम अपने घर में क्या रख के आए हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में आपकी और अल्लाह की मोहब्बत को रखकर आया हूं। तो यह उदखुलु फिस सिल्मी काफा की शान थी, आपने ऐसा फरमाया।